हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वक्त है 450 रुपए में। जी हाँ, 450 रुपए में कोरोना क्रांति पर अपडेट बताने के। अब कोरोना का टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में हो सकेगा। पंद्रह मिनट, 450 रुपए और कोरोना पर फैसला ऑन द स्पॉट। कोरोना के टेस्टिंग को लेकर ये सबसे नई और राहत भरी खबर है। ये जानकारी गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने दी। टेस्ट की नई तकनीक से लोगों को रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कोरोना जांच के लिए अब तक 4,500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लगते हैं। 13 जून तक के आंकड़े पर भारत की तुलना दुनिया के दूसरे मुल्क से करें तो भारत में कोरोना के 55 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। अमेरिका में 2 करोड़ 35 लाख टेस्ट हुए हैं। रूस में 1 करोड़ 42 लाख लोगों के टेस्ट हुए। ब्रिटेन में 64 लाख 34 हजार लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। यानी टेस्टिंग के मामले में भारत दूसरे बड़े मुल्कों से पीछे है और कोरोना से जंग के लिए टेस्ट बेहद जरूरी है। ऐसे में कोरोना की जांच को लेकर कुछ दिन पहले ही यूपी से अच्छी खबर आई थी। इस छोटी सी मशीन का नाम ट्रूनेट है, जो महज 1 घंटे में कोरोना का टेस्ट करने में सक्षम है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि ये मशीन कैसे काम करती है। ट्रूनेट मशीन, जिसमें एक कैसेट जैसा डिवाइस है, इसमें सैंपल डालते हैं। सैंपल डालने के बाद इस कैसेट जैसे डिवाइस को मशीन के अंदर लगाते हैं। मशीन के अंदर लगाने के बाद इसको बंद करते हैं और 20 मिनट तक मशीन इसमें फंक्शनिंग करने के बाद जो सैंपल के कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद एक छोटा डिवाइस है, इसमें डालते हैं और इसमें डालने के बाद इस मशीन में डाला जाता है और 40 मिनट स्लॉट में छोड़ने के बाद जो एक्सट्रैक्ट्स है उसके ज़रिए ये मशीन रिपोर्ट बताती है और रिपोर्ट जो आती है वो इस तरह से आती है और इसमें पता चलता है कि जो सैंपल टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस मशीन का एक फायदा ये है कि जांच के दौरान संक्रमण का खतरा ज्यादा नहीं होता है, जिससे टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन सुरक्षित रहते हैं।